हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन का पार्ट 2 टैक्सेशन। बैंकिंग में आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, अब आइए देखते हैं टैक्सेशन। टैक्सेशन होता क्या है? हमें हर चीज़ पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। वैसे ही हर एम्प्लॉय को भी अपनी इनकम पर, जब उसकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा होती है तब उसे टैक्स देना पड़ता है। और उस पर कौन कौन सी रिबेट्स मिलती है, क्या क्या उसे टैक्स देने होते हैं, ये सारा यहाँ पर बताया गया है। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जब कोई इनकम टैक्स टैक्स देता है तो किन किन चीज़ों को उसमें देखा जाता है। देखिए, जब इनकम टैक्स, एक आपको चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, फाइनेंशियल 2013-14 में, किसी मेल, फीमेल और सीनियर सिटीज़न, इसे अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें देखिए, टैक्सेबल इनकम एक मेल के लिए अप टू 2 लैक्स तक अगर उसकी इनकम होगी तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। वैसे ही फीमेल के लिए भी अप टू 2 लैक्स कोई टैक्स नहीं है, निल लिखा है, मीन्स कोई टैक्स नहीं है, और सीनियर सिटीजन के लिए भी कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद 2 लैक 1 रुपी टू 5 लैक्स का मतलब है इस बीच के 3 लैक्स जो है उस पर उसे 10% टैक्स देना होगा। सेम ऐसा ही फीमेल के लिए भी है, 2 लैक्स टू 5 लैक्स मीन्स 3 लैक्स पर उसे 10% देना होगा। सेम सीनियर सिटीजन के लिए भी है। यहाँ पर 3 लैक्स का 10% मीन्स आप यहाँ पर निकाल कर 10% इसमें शो करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट 5 लैक्स 1 रुपी टू 10 लैक। अब 5 लैक 1 रुपी टू 10 लैक मीन्स इस बीच का डिफरेंस आता है 5 लैक्स, तो ये 5 लैक्स जो है इस पर उसे 20% देना होगा। सेम वैसा ही फीमेल और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है। इसके बाद नेक्स्ट है अबव 10 लैक, इसके बाद 10 लाख से अगर ज़्यादा है इनकम तो जितनी ज़्यादा है उस पर 30% उन्हें टैक्स देना होगा, तीनों क्राइटेरियाज में। इसी तरह से 2014-15 में भी 2 लैक्स तक कोई टैक्स नहीं है, 2 लैक टू 5 लैक सेम है, यहाँ पर डिवाइड किया गया है। 15-16 में भी सेम है। ये क्राइटेरियाज हमें इसलिए बताई जाती है क्योंकि समय समय पर चेंज होती रहती है और हर अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग ये हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया हमें क्वेश्चन के साथ दिया जाएगा उसी में हमें उन्हें टैक्स निकालना है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर हम टैक्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी भी एम्प्लॉय की मंथली इनकम दी जाएगी या फिर अर्ली इनकम दी जाएगी, तो हम उस इनकम से एनुअल इनकम किसी भी एम्प्लॉय की निकाल सकते हैं। अगर हमें मंथली इनकम दी गई हो तो हम उसका मल्टीप्लाई 12 करके एनुअल इनकम निकालेंगे, और या फिर हमें सीधे सीधे एनुअल दिया गया हो तो एनुअल इनकम को हम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको रिबेट्स दी जाएगी। देखिए, रिबेट्स के लिए यहाँ पर पेज नंबर 192 में द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स आर एलिजिबल फॉर टैक्स एक्सेम्पशन रिबेट्स, ये रिबेट्स है। इन 7 पॉइंट्स के अंडर आपको यहाँ पर रिबेट्स दी जाएगी। एनुअल प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसे हम LIC कहते हैं, एनुअल प्रीमियम ऑफ यूलिप यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू जनरल प्रोविडेंट फंड GPF, होम लोन्स इंस्टॉलमेंट्स, ट्यूशन एजुकेशनल फीस ऑफ चिल्ड्रन, पेमेंट्स मेड टूवर्ड्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद अ मिनिमम टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। सेवन्थ है एनुअल सब्सक्रिप्शंस टू ग्रुप पॉलिसीज एंड फैमिली वेलफेयर स्कीम्स। इन सभी पॉइंट्स के तहत आपको यहाँ पर रिबेट्स दी जाएगी। तो यहाँ पर ये जो रिबेट्स दी जाएगी उसे आपको एनुअल फाइंड करके यहाँ नोट करना है। अगर आपको GPF का अमाउंट अगर आपको एवरी सिक्स मंथ में या सेमी एनुअल ऐसा लिखा हुआ है तो आपको उसे 1 ईयर का एनुअल इनकम, एनुअल जो उसका प्रीमियम है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसी तरह से LIC, यूलिप, NSE, इन सभी का आपको एनुअल ही यहाँ पर लिखना है। एनुअल जो उसका प्रीमियम होता है वो उसे यहाँ पर लिखना है। इन सभी को हम एक इनर कॉलम में लिख सकते हैं। इनर कॉलम में लिखने के बाद उन्हें हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद, उस पूरे को प्लस करने के बाद, इन सभी पॉइंट्स में से जो जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में उन्हें प्लस करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या वो 1 लाख से 1 लाख से ज़्यादा है। देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम एक्सेम्पशन परमिटेड इस 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर रिबेट्स नहीं दी जाती। तो अगर आपकी यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर अगर 1,06,000 या 1,10,000 आता है तो आप यहाँ पर सिर्फ 1 लाख ही लेस कर सकेंगे एनुअल इनकम में से। आप पूरे 1,06,000 या 1,10,000 यहाँ पर लेस नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ 1 लाख को ही लिखा जाएगा, बाकी अमाउंट को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 लाख यहाँ पर लेस करने के बाद
और अगर 1 लाख से कम आता है 95,000 90,000 तो वो हम पूरी अमाउंट लेंगे, ठीक है। उसको माइनस करने के बाद, लेस करने के बाद हम यहाँ पर अमाउंट लेंगे, वो होगा हमारा रिमेनिंग इनकम। अब इस रिमेनिंग इनकम में से आप डोनेशंस को माइनस करेंगे। कुछ डोनेशंस होते हैं जैसे कि ओल्ड एज होम में दिए गए डोनेशंस या किसी और रिलीफ फंड में दिए गए डोनेशंस, उसमें से 50% 100% 20% आपको ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दिया गया होता है कि इतना हमें डोनेशन के लिए दिया गया है जिस पर छूट मिलनी चाहिए, जिस पर रिबेट्स मिलनी चाहिए, तो उस रिबेट्स को हम यहाँ पर जितना परसेंट बोला जाएगा उतना परसेंट निकाल कर यहाँ हम नोट करेंगे। उसे नोट करने के बाद हम इस रिमेनिंग इनकम में से उसे घटा देंगे, माइनस कर देंगे। जो अमाउंट आएगा वो होगा हमारा टैक्सेबल इनकम। अब इस टैक्सेबल इनकम में से हमें टैक्स काउंट करना है। अब टैक्स हम कैसे काउंट करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन टैक्स रिबेट्स, हर क्वेश्चन में टैक्स लिमिट एंड टैक्स ऑफ रेट्स दिए हुए होते हैं। जैसे कि आप 2 रुपीज़ 1,50,000 नील जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, वैसे ही हर क्वेश्चन में एक छोटा सा टेबल आपको दिया गया रहेगा, उसमें 3-4 पॉइंट्स में आपको दिए गए रहेंगे कि इतनी इनकम तक इतना परसेंट, इतनी इनकम तक इतना परसेंट, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखकर टैक्स लगाना है। जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में दिया है टैक्स अप टू 1,50,000 नील, तो 1,50,000 तक कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट टैक्स ऑन 1,50,000 टू 3 लैक्स 10%, तो आप केवल 1,50,000 पर ही 10% निकालेंगे। अब ये 1,50,000 कहाँ से आया, यहाँ पर हमने बताया 1,50,000 टू 3 लैक्स, तो यहाँ पर 3 लैक्स माइनस 1,50,000 हम करेंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा 1,50,000। इस पर हमें 10% टैक्स देना है, हमें केवल इस 1,50,000 पर ही 10% टैक्स देना है। इसके बाद है नेक्स्ट 3 लैक्स टू 5 लैक्स, अब 5 लैक्स माइनस 3 लैक्स हुआ 2 लैक्स, उस 2 लैक्स पर आपको देना है 20% टैक्स। अब इन सभी टैक्स को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट में हम निकालेंगे 3% एजुकेशनल सेस। इसी अमाउंट का हम, इसमें से कोई अमाउंट नहीं लेंगे, यहाँ पर हम इस टैक्स वाले अमाउंट का ही 3% निकालेंगे, उसे हम ऐड करेंगे इसी अमाउंट में। जिस अमाउंट का हमने 3% निकाला है उसको हम उसी में ऐड करेंगे, जो हमारा अमाउंट आएगा वो होगा हमारा टोटल पेएबल टैक्स, ये होगा हमारा टोटल पेएबल टैक्स। इस तरह से हम टैक्स काउंट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। आपको पहले इस फॉर्मेट को याद रखना है, ये फॉर्मेट बहुत ही काम का है। अगर आपको ये फॉर्मेट याद हो गया तो आप इजीली टैक्सेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस फॉर्मेट को आप नोट कीजिए, इसे कॉपी कीजिए, नोट कीजिए एंड याद रखिए, और याद रख के आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ज़रूर नोट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मैं बताती हूँ इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।